छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल धरने पर हैं। ब्रजमोहन ने प्रचार के दौरान हमले का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मेयर एजाज ढेबर पर हमले का आरोप लगाया है ब्रजमोहन अग्रवाल ने। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कोतवाली के बाहर प्रदर्शन भी सामने आया है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए आप, बीजेपी कार्यकर्ता कैसे धरने पर बैठ गए कोतवाली के बाहर। आरोप ब्रजमोहन अग्रवाल का, और वो कह रहे हैं कि प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया और ये हमला कांग्रेस के मेयर एजाज ढेबर ने करवाया, ऐसा उनका आरोप है। इसको लेकर यहां पर प्रदर्शन करते हुए खुद ब्रजमोहन अग्रवाल और बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ आप देख सकते हैं कोतवाली के बाहर। कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की, ये सब अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग थे जो महंत जी के पीछे रहकर पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं और वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने देना चाहते। हमने पहले भी शिकायत की है, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फोन कर धमकियां दी जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि कांग्रेस का काम करो नहीं तो हम तुम्हारे घर तोड़वा देंगे, हम तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे, हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसी धमकियां दी जा रही है। मोहन अग्रवाल भी कोई हमला कर सकता है भाई, जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और ब्रजमोहन अग्रवाल एक आत्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे ब्रजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? कवर्धा के बाद क्या रायपुर में भी सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है? चलो कहां बात करने लगे। ब्रजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं भैया, नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे, याद है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।